खाना बनाना एक कला है, लेकिन रसोई में काम करते समय सतर्क और सजग रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खाना बनाते समय थोड़ी सी लापरवाही पूरी खाने को खराब कर देती है, जैसे कि खाने में नमक ज्यादा होना, सब्जी का जल जाना, छोटी सी छोटी जानकारी ना होने के कारण भी भोजन की सामग्री का नुकसान हो जाता है। ये 23 किचन टिप्स काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान से सुने। 1. फलों को काट कर रखने से वो काला हो जाता है, इसके लिए डाले नींबू के कुछ बूंदों का रस, इसे वो काले नहीं पड़ेंगे। 2. गाजर को कम वक्त में छीलना हो तो उसे गर्म पानी में 5 मिनट तक भिगो कर रखें और छीलने से 2 मिनट पहले उसे ठंडे पानी में डालें। 3. आप फल, सब्जी, सारी चीजों को फटाफट काट सके, इसके लिए रसोई घर में हमेशा 2 से 3 तरीका की चाकू और तेज धार वाली हो, जिसे बहुत आसानी से काम हो। 4. मटर का हरा रंग बरकरार रहे, इसके लिए दालें उबालती वक्त 1 चुटकी चीनी, इसे मटर का रंग हरा रहेगा। 5. किचन का प्लेटफॉर्म काफी चिकना होता है, ऐसे में चॉपिंग बोर्ड या चकला दोनों भी फिसलते हैं, इसे बचने के लिए नीचे गीला कपड़ा रखे के काम करें तो यह आसानी होगा। 6. पकने के बाद भी फूल गोभी का रंग सफेद नहीं रहे तो उबलता वक्त फूल गोभी में 1 बड़ा चम्मच दूध डालने से फूल गोभी का रंग सफेद रहेगा पकने के बाद भी। 7. नींबू से अधिक रस निकालने के लिए 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर दे, फिर ठंडा होने के बाद कट करें, नींबू से अधिक रस निकलेगा। 8. साग बनाते वक्त उसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन को कूट कर डाल दे, इसे आपको ये नया स्वाद जरूर पसंद आएगा। 9. अगर सब्जियों को पहले काट लेते हैं फिर धोते हैं तो सब्जी का प्रोटीन बाहर निकल जाता है, इसलिए जब भी सब्जियों को काटने हो तो उसे पहले धो लें, फिर बाद में ही उसे काटें। 10. घर पर मैदा का पिज्जा बेस बनाने की जगह उपयोग करें, मल्टीग्रेन आटा, इस स्वाद 2 गुना हो जाएगा और हेल्दी भी रहेगा। 11. अदरक लहसुन का पेस्ट 10 से 15 दिन के लिए चले, इसके लिए डाली 1 चम्मच गर्म तेल, फिर इसे मिक्स करके फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रखें, इसे लहसुन और अदरक का पेस्ट काला नहीं पड़ेगा। 12. कुरकुरी भिंडी के लिए बेसन के बैटर में डालें 1 चम्मच चावल का आटा, फिर 10 मिनट बाद भिंडी डालें कर तले, इसे चावल की वजह से भिंडी का कुरकुरापन 2 गुना हो जाएगा। 13. रायता में पहले ही नमक डालें कर रखें, इसे रायता हो जाता खट्टा, तो जब खाने हो तभी नमक डाली। 14. नींबू को फ्रिज में रखने से अक्सर वो काले पड़ जाते हैं, इस परेशानी से बचने के लिए नींबू पर नारियल तेल लगाकर उसे फ्रिज में रखें। 15. दाल पालक बनाने के बाद इसमें हींग, लाल मिर्च और लहसुन का तड़का लगाएं, जिसे दाल और भी टेस्टी बनेगी। 16. जब दूध आपसे लगे फटने वाला है तब उसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालें, इसे दूध फटेगा नहीं और आराम से उबलेगा। 17. बरसात में किसी भी अनाज में कीड़े और इलिया ना पड़े, इसके लिए डालें तेज पत्ता। 18. अगर दाल का तड़का हल्का जल गया तो दाल में 2 से 3 चम्मच देसी घी मिला दीजिए, देसी घी के महक से दाल में जले हुए का टेस्ट गायब हो जाएगा और स्वाद दुगना हो जाएगा। 19. किचन से चींटियां को भगाने के लिए थोड़ा सा कपड़ा धोने वाला साबुन लगा दीजिए, चींटियां भाग जाएगी। 20. दही अगर खट्टी हो जाती है तो दही जमाते वक्त उसे में डाले 1 चम्मच चीनी, इसे दही खट्टी नहीं होगा और स्वाद भी अच्छा आएगा। 21. मुलायम चपाती के लिए आटा गूंथ वक्त में डाली गर्म पानी और साथ में थोड़ा सा गर्म दूध, इसे चपाती नरम बनेगी। 22. अगर दाल से झाग ना निकले तो इस दाल का टेस्ट और ज्यादा खराब या कड़वा लगने लगता है, इसे बेहतर की दाल के झाग को निकाल दे। 23. दानेदार चावल के लिए डाली 1 ताज़ा नींबू का रस, इस तरह से चावल का रंग सफेद भी रहेगा और 1-1 चावल खिला भी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आज के कुकिंग टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे, इसलिए कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और स्वस्थ रहें, खुश रहें।